मै शेख जवा जावा आपका अपना स्टॉल रब्त की महमद महमद सेजटेरियस वीकली आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगास उम्मीद करता हूँ मुफल तैरियत से होंगे इस हफ़्ते दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं एक तो शफ कमर है आपके जायचे में और यह आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा फिर आपके जो है वह दसवें घर में मरकरी आ चुका है यानी कि सारा तारद आ चुका है जो कि दसवें घर का ही लॉर्ड हो आया है यह आपके शालतीस दवाजी और कारोबारी मामला के हवाले से बहुत ही अच्छी खबर है इसके अलावा भी दीगर एस्पेक्ट्स हैं तमाम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टार्ट करूंगा सबसे पहले तो आपका अपना रूलिंग प्लानेट जाइचे के छठे घर में मौजूद है और आपका फोकस पूरा जो है वो अपनी डेली रूटीन्स पे अपनी हेल्थ पे और अपनी जो साथ काम करने वाले उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी तरफ आपका बहुत ज्यादा फोकस है हालांकि छठे घर का हाकिम जो है वो रेट्रोग हो चुका हुआ है और जायचे के नावें घर में रेट्रोगट हुआ हुआ है इसके बावजूद यहां पे आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है और वो होगा सात अगस्त को शरफे कमर शर्फ कमर जायचे के छठे घर में हो रहा है आठवें घर का लॉर्ड होते हैं अगर छठे घर में हो रहा है तो ऑलरेडी जो आपका फोकस आपकी हेल्थ के ऊपर है आपकी जॉब के ऊपर है ये मजीद उसमें करवाएगा स्पेशली आपके हेल्थ के जो मैटर्स हैं उसमें से निकलने के लिए कोई वे आउट आपको इंशाला कुदरत की तरफ से जरूर फराम होगा ज़े दबाव में आपके जो है वो कमी वाक होगी और ये एक अच्छा टाइम आपके लिए इन शाला साबित हो सकता है सिर्फ वैसे भी अच्छा होता है लेकिन जाहिर के कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर अच्छा प्लानट भी जो है वो कुछ कम जो है वो रिजल्ट देता है जैसे छठा आठवां बारहवा तो ये छठे घर में जो है ये हो रहा है लेकिन नेचुरली छठे में चूके आ, कमर को औज भी होता है इसलिए ये यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो बहुत हद तक आपको देने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा दूसरी तरफ आ, आपका अपना रूलिंग प्लेनेट जो है वो आ, सियारा शम्स के साथ जो है वो एक स्क्वायर बनाएगा सात को ही इसको तरबी कहते हैं हम ये बहुत अच्छा नहीं है बरूल मुल्क सफ़र जॉब के हवाले से अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रुकावटें होंगी मैं स्पेशली कहूँगा कि सात आठ नौ तीन दिन आपको इससे गुरेज करना चाहिए वीज़ा वगैरह अप्लाई करने से आपको कतई तौर पे गुरेज़ करना चाहिए ठीक इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर या आ, किसी मजहबी शख्सियत से जो है उनके साथ भी जो है किसी किस्म के क्लैश से आपको गुरेज करने की ज़रूरत होगी अब यहाँ पे एक चीज़ और बहुत अच्छी है और वो है मरकरी जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट कहा था आजाइज के दसवें घर में मौजूद है दसवें घर में जब मरकरी आता है तो कैरियर रोजगार के नए मौक़े जो है वो ओपन होते हैं आपके लिए अगर आप जॉब पर्सन हैं तो तरक्की मिलने के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन होते हैं सीनियर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा ऑलरेडी वहाँ पर दसवें में मरीख मौजूद है और दसवें का मरीख बहुत आ, ही पावरफुल होता है चूंकि ये आपको स्ट्रेंथ देता है काम करने की लिए देगा आप एक एनर्जेटिक जो है पर्सन के तौर पे आगे बढ़ना स्टार्ट होते हैं फिर यहीं पे जो है वो मरकरी भी जब आएगा तो ये समझ लें कि आप फिज़िकली भी और मेंटली भी आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे नए एग्रीमेंट्स होंगे जिसमें कि बड़ी तेज़ी के साथ आप काम करते हुए अपने लिए तरक्की की राहें जो हैं वो ओपन कर सकते हैं करियर के रोजगार के हवाले से कुछ ऑफर भी हो सकती है शाकत की कोई पार्टनरशिप की आपको ऑफर हो सकती है और ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा मैं ये समझता हूँ कि ये दरवाज़ा वाह होगा कैरी रोजगार में आपका जो वर्किंग पार्टनर है या जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपको भरपूर सपोर्ट कर सकेगा नई चीज़ें जो हैं वो आप ट्राई करेंगे नए टैक्टिस जो पिछले दिनों आपको बहुत कुछ सीखा आपने लर्न किया उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने कैरी रोजगार को आगे बढ़ाएंगे दसवां घर चूंकि आपकी मदर लॉ का है और सातवां घर आपकी अपनी जोजा का या आपके शौहर का तो ये दोनों साइड पे आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी बेहतर होगा मदर लॉ के साथ भी और आपके स्पाउस के साथ भी अलबतः कुछ चीज़ें जो है वो आ, थोड़ी सी एहतियात तलब भी होंगी चूँकि ये स्क्केर भी बनती है दूसरी तरफ अगर मैं जुपिटर को देखूँ तो फैमिली की से भी सपोर्ट मिलेगी और आपका रिलेशनशिप में जो है वो काफ़ी बेटरमेंट आएगी और ये जो एक ट्राइन बन रही है जो आपके विजडम को खोलेगा जो आपकी बेहतरीन सलायतें हैं उनको बुरुए कार लागत के तो बहुत आप आगे बढ़ने में इन शाह इनशाला कामयाब होंगे और ये दस अगस्त का जो है वो दिन बन रहा है सन चूंकि जायचे के नामें घर में मौजूद है तो स्परिचुअलिटी केवाले से आपको बड़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसके अलावा वालद से आपके से किसी हाई प्रोफाइल मजहबी शख्सियत से या साबेजा लोगों से गवर्नमेंट सेक्टर से यहाँ से भी आपको फवाद जो मिल सकेंगे लेकिन ये मैंने चूंकि पहले भी बताया कि आपको सात को सात आठ नौ ये तरबी होगी तो तीन दिन जो है वो आपने ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी उसके बाद मामला इन शह बेहतर होते चले जाएंगे बैलों मल्क सफ़र की राहें आपकी खुल रही हैं लेकिन यहाँ पर जेन में रखिएगा कि चूंकि ये वीनस जो है ये आपके के चकिने का भी लॉर्ड है तो किसी दोस्त को इसमें इन्वॉल्व ना कीजिएगा ये रिजत में है वो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आपका काम नहीं कर पाएगा सो इस मामले में थोड़ा सा उनको साइड पे रखना ही बेहतर होगा खाना माल का हाकिम और तीसरे घर का हाकिम जो है वो चौथे घर में जाकर जो है वो रेट्रोगेट होगी हो गई आपको थोड़ा सा लेज़ी करेगा सेटर्न और अखराज में तेज़ी भी होगी प्योटो की वजह से जो कि दूसरे घर में मौजूद है आप अपनी कोशिशों में भी कमी का एहसास आपको जो होगा अब आपको अपनी फाइनेंशियल मामला को बड़ी एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेके चलने की ज़रूरत है अक्सर आपके जो अखराज हैं वो अपने खानगी मैटर्स आपके घर और आप जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स है, उनको बेटरमेंट की तरफ लेके जाने में ही ज़्यादातर जो है वो आपके अखराज जो है वो होते नज़र आते हैं आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो येलो सफ़ायर होता है और जैसे कि मैंने कहा कि शफ कमर होगा छठे घर में जॉब के वाले सेहत के वाले से, से बेहतर टाइम है तो शफ कमर पर हर बार एक वीडियो हम देते हैं आपको शफ कमर दुआओं की कबूलीत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल सो इस पर भी वो वीडियो दी जाएगी आपको तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल बटन ज़रूर पुष्ट कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको वो वीडियो मिल सके और आप उससे मुस्तफ हो सकें इनसे मुस्तफ होइएगा तो अपनी दो में याद कीजिएगा वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगा किया करें कमेंट सेक्शन आपके लिए जो है वो ओपन होता है अल्लाम कैप्रिकॉन्स मैं हूं शेख जबार रजा जावा आपका अपना स्टॉलाजर हमदोसन रबुलज़त की दूरदोसलाम महमद वाल महमद कैपिकॉन वीकली और उसको सिक्स टू ट्वेल्थ अगस्त आपका यह हफ्ता कैसा गुजरा है इस हफ्ते में आपके लिए बहुत अहम चीज़ें हैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर डेफिनेटली इख्तियार करनी होगी और कुछ आपके लिए बेनिफिट्स भी हैं दोनों चीज़ें मिली जुली हैं अब बच्चे का वो या एहतियात वो कर सकेगा जिसको कि नॉलेज होगा और फ़ायदा भी वही उठाएगा जिसको पता होगा कि ये फ़ायदा उठाने का टाइम है किन चीज़ों में फ़ायदा उठाने का टाइम है ये भी सबसे पहले तो इस हफ्ते की इब्तदा हो रही है सात गर्ज शरफ़ कमर से शरफ़ कमर जो कि आपके जाएचे के पाँचवें घर में होगा ये सातवें घर का हकम है श्री के और श्री के के साथ रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर रहेगा बच्चों से व्यवस्था जो मसाइल इस वक्त चल रही हैं उनमें कमी के लिए के हयात आपका जो है वो एक बहुत बेहतर रोल जो है वो प्ले कर सकता है ये बहुत ही खास टाइम होता है और इस खास टाइम पे हम आपको एक अलग से वीडियो देते हैं जिसको हम कहते हैं शफ कमर दुआओं की कबूलियत का खास वक़्त और ख़ास अमल इस वीडियो में आपको कुछ खास अमाल बताए जाता है और टाइम बताया जाता है कि इस इन टाइम्स में ये वाले अमाल कर लें तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा दूसरी चीज़ आ, मंगनी शादी दोनों के हवाले से कुछ पेश पेशरफ होगी गो क्योंकि अभी आ, बहुत सारे मामलों आपके बेहतर नहीं होते मुझे नज़र आते लेकिन कुछ पेश ज़रूर होगी कई बार ऐसा होता है ना कि एक बात स्टार्ट होती है कुछ उस पर गुफ्त शुनीद होती है और फिर कुछ डिसाइड हो जाता है कि अच्छा चलें इसको बाद में जो है वो हम देखते हैं ये बिल्कुल उसी तरह की मुझे पेशफफ्फ जो है वो होती नज़र आती है एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी आपको मिलेगी इसी शरफ कमर की वजह से स्केल बारह से चौदह की जो एजुकेशन ले रहे हैं यहाँ पे आपको कदरे आसानी इंशाल्लाह मिलेगी विजडम भी आपका जो है वो खुलेगा आ, ये आपके लिए बेहतर है दूसरी तरफ सात अगस्त को शम्स और मस्तरी की तरबी है ये बहुत अच्छा नहीं है शम्स जो है वो ऑलरेडी जायचे के आठवें घर में मौजूद है और ये तरबी जो है वो आपके जायचे के तीसरे और बारहवें घर के लॉर्ड के साथ हो रही है और इतफाक़ ये भी है कि ये जो मशतरी है वो जायचे के पांचवें घर में मौजूद है और पांचवें घर का लॉर्ड आठवें घर में शम्स के साथ ये अब इसको बड़ी डिफरेंट तरीके से जो है वो पढ़ने की जरूरत है सबसे पहली बात तो जो मेजर होगा वो ये होगा कि अगर आप कोई खातून हैं और प्रेगनेंसी भी है तो फिर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है गोके शरफ कमर जो है वो भी यहाँ पे बेनिफिट आपको देगा लेकिन शरफ कमर चूंकि एक सरी आ, आ, असर चीज़ है और श्री सैर है कमर तो ये जल्दी अपनी इम्पैक्ट देख के गुजर जाएगा लेकिन इसके इंपैक्ट आपको देर तक जो है वो रहेंगे कम से कम तीन चार दिन इसके इंपैक्ट आपको रहने हैं इसलिए आपको एहतियात करने की ज़रूरत है दूसरी बात अगर आपके बच्चे बड़े हैं उनकी वजह से जो ज़ैनी दबाव का आप तो शिकार थे उसमें मज़ीद कुछ थोड़ा सा इजाफा है और कुछ हिडन एनिमीज भी आपके बच्चों के मिजाज को चूंकि बारहवें घर का लॉर्ड जुपिटर है आपके बच्चों के मिजाज को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं आपके बच्चे ये समझ रहे होंगे कि भी हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं बट ऐसा नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम आपके साथ जो है वो खुदा ना खास्ता खुदा नखास्ता हो सकती है आपको बड़ी केयर करने की ज़रूरत है तीसरी चीज़ किसी भी सूरत अपने बच्चों के मामला में जो है वो अपने बड़े भाई स्पेशली मैं कहूँगा उनको इन्वॉल्व मत होने दें इस वक्त उनसे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा उल्टा नुकसान होने का अंदेशा होगा ठीक है इसी तरह अपनी गुत शनीद में आपको एहतियात करनी है अपनी गुतगु चुके तीसरे का मालिक है जुपिटर तो गुफगु में आपको बड़ी एहतियात के साथ अपने बच्चों को लेकर चलना है कई बार ऐसा होता है कि एक वक्त में बच्चा जो है वो आपकी बात नहीं समझ रहा उसको छोड़ दें थोड़ा टाइम दें कुछ टाइम के बाद वही बच्चा वही आप वही बात हल हो जाती है ये ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ हमने इसको प्रैक्टिस करके देखा कि एक वक्त में समझ नहीं आ रही पर्सन को छोड़ दीजिए कुछ देर बाद कुछ दिन बाद ये वाला मामला आप टैकल करें ये हो जाता है तो एग्जैक्टली exactly ये आपके लिए इन शाह बड़ा अच्छा जो है वो साबित हो सकता है अगर आप अपने बच्चे की को थोड़ा सा टाइम दें स्पेस दें तो ये मामला इनशाला आपका हल हो जाएगा इसके बाद एक और फायदा है अब वो बड़ा बड़ा मजे की चीज़ है पांचवें घर में जुपिटर मौजूद है और नौवें घर में मरकरी मौजूद है ये दोनों घर विजडम को देते हैं आ, हम तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इंडियन को देखें तो वो कहते हैं ये दोनों लक के घर हैं मैं ये कहता हूँ ये दोनों घर नॉलेज के हैं हिडन नॉलेज भी ओपन नॉलेज भी आ, स्केल्स का फ़र्क आता है पाँचवा घर एक मीडियम लेवल के एजुकेशन को और नावें घर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल या हाई लेवल के जो है वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है सो so यहाँ पे अगर ये ट्राइन बनेगी तो आपका ब्रेन खुलेगा आप नॉलेज ले सकेंगे ये नॉलेज सिर्फ किताबी नहीं ये कि नॉलेज जो है वो आपको दुनिया के हिसाब से दीन के हिसाब से चूँकि नवागर भी है स्परिचुअलिटी आएगी इसमें इस हवाले से आपको बड़ा अच्छा रहेगा बच्चों के साथ इस हवाले से गुफ रहेगी और आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी जो है वो कर सकते हैं नामे घर का मरकरी और यहाँ पे इसको शर्फ है तो ये चीज़ जो है वो आपको बैरमलक सफ़र में भी जो है मदद कर सकती है और आप अगर कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं आप बरमल सफ़र कर सकते हैं मजहबी हवाले से बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा सुनने को मिलेगा ये आपके लिए इन बहुत ही अच्छा टाइम इस हवाले से आपके लिए साबित हो सकता है फिर ये चूंकि आपके छठे घर का लॉर्ड है और नामे घर में गया है मरकरी तो ये आपको जॉब के हवाले से भी कंफर्ट करता है आप बैरू मलक जॉब के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं जॉब स्विच करने के लिए भी ये आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है अच्छे एम्प्लॉय मिल सकेंगे आप ख़ुद जो है वो भी तरक्की कर सकेंगे तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम इन शाला साबित हो सकता है तो चूँकि आप कैप्ली हैं तो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आप जो है अपने आप में एक ब्लू सफायर वेल कीजिए नीलम इस्तेमाल कीजिए ये आपकी इज़्ज़त वकार आपकी फाइनेंशियल मामला इन दोनों को बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो बैलेंस करने में आपको मदद दे सकता है बेहतरीन जैम स्टोन के लिए हमेशा ऑफर करता हूँ हमारी वेबसाइट जवा जेम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर रबता करके आप अपने लिए दुनिया में कहीं भी हूँ स्टोन जो जॉब हासिल कर सकते हैं और मैं हर बार कहता हूँ कि ये जनरल है इंडिविजुअल अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं अपने लिए कुछ जम सजेस्ट करवाना चाहते हैं एज ए जम थेरापिस्ट हम बताते हैं कि इस काम के लिए आपको ये वाला स्टोन जो है वो वेयर करना चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रबता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं शरफ कमर की वीडियो देखना भूलिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लें ताकि तमाम चीजें बर वक्त आपको जो है मिलती रहें इस उम्मीद के साथ जाना चाहूंगा कि आप इस वीडियो से मुस्तिद होंगे तो मुझे अपनी दुआ में जरूर याद करेंगे हूं शेख एक्ज़वर रजा जावा आपका अपना स्ट्रॉजर हमदरब्ल की और अगस्त तो आपका यह हफ्ता कैसा गुजरा एक्वेरियस उम्मीद करता हूँ वह फ़िल्त आप खैरियत से होंगे इस हफ़्ते सियारगन की नजरात और एक जो है वो शर्फ कवर का ये दो बहुत ही अहम चीज़ें हैं नजरात में कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा उम्मीद करता हूं आप इसे मुस्तफ़ हो सकेंगे और आपको समझने में आसानी होगी कि प्लैनेट्स किस तरफ जा रहे हैं और आगे आपको किस तरीके से मामला को टैकल करने की जरूरत है सबसे पहली जो पेशरफ्त होगी वो होगी सात अगस्त को जबकि शफ कमर होगा और ये आपके जायचे के चौथे घर में होगा घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली और खरीदो फरोख्त के आपको मौाक मिलेंगे घर का माहौल बहुत अच्छा होगा डेली वेजेस का जो आप काम है वो बड़ी अच्छी से रूटीन से कर सकेंगे घर के लिए कोई आप इंप्लॉय जो है वो हायर कर सकेंगे अच्छा और माइट के ये फीमेल हो इसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि माइट क्या आपको जॉब के हवाले से कुछ जगह की तब्दीली का सामना हो और जो कि आपके लिए इन इन बेहतर भी साबित होगा ऑलरेडी जुपिटर आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद है जो कि खान की मामलत में बेहतरी का बायस जो है वो जरूर बनता है ये इसके बाद आपका अपना रूलिंग प्लेनेट जो कि जायच्चे के, के बारहवें का भी लॉर्ड है आपके पहले का भी लॉर्ड है और दूसरे घर में मौजूद है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फोकस है कि आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरह बैलेंस करना है ये आपके लिए यकीनन एक चैलेंज है तो मैं आपको स्ट्रांगली कहूँगा कि अभी तक अगर आपने अपनी सारसती का इलाज नहीं किया जरूर करें पहली फुर्सत में करें क्योंकि प्लैनेट्स सेक्टर अगर आपको इस साइड से कोई रगड़ा मिल जाता है तो आप समझ लें ये कई साल तक जो है वो उठने भी नहीं देता लेन देन के मामला को बैलेंस कीजिए जब तक आपके पास पैसे ना हो आ, किसी से वादा करने से किसी को चेक देने से आपको कतई तौर पर जो है वो गुरेज करने की ज़रूरत होगी अगली चीज़ जो मैंने कहा था प्लैनेट्स की जो पोजीशन बन रही है सात अगस्त को आ, सन और जुपिटर की जो है वो स्क्यर होगी जुपिटर चौथे घर में मौजूद है सन आपके सातवें घर में मौजूद है फैमिली स्पेशली कहूँगा और उसके अलावा कुछ फाइनेंशियल मामला जो है ना वो आपके और आपके स्पाउस चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हों और फैमिली के मबैन कुछ लेन देन के मामला को लेकर कुछ चक्लश या कोई इख्तलाफ हो सकता है जिससे घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है ठीक इसी तरह ये भी हो सकता है कि भाई आपके आप, आपकी जो ख्वाहिहिशात हैं उसकी तकमील के लिए आपका स्पाउस है वो पूरी तरह तैयार ना हो या उसमें कुछ डिले हो जाए तो इसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी तीसरी चीज़ अपने वालिद के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटरमेंट की तरफ लेके जाने की कोशिश कीजिएगा सातवें घर में सन इसमें आपको फ़ायदा भी देगा क्योंकि अपने घर में अदरवाइज सातवें का सन मैं अच्छा नहीं समझता लेकिन यहाँ पे करेगा इज्जत वकार भी देगा लेकिन आपका जो स्पाउस है उसके मिजाज का जो मटेरियलिज्म है उसको आप पूरा नहीं कर सकेंगे इस वक्त चूँकि वीनस भी साथ में घर में है तो प्यार में थोड़ी सी कमी का एहसास भी होगा कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे माबहन कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया लेकिन दूसरी तरफ जुपिटर का ही जो है वो ट्राइन बनेगी मरकरी के साथ 10 अगस्त को तो इस तरह सात आठ नौ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लेकिन 10 से मामला बेहतर हो जाएंगे अब मरकरी जो है वो आपके जायचे के एग्जैक्टली exactly, मैं कहूँ तो सातवें का लॉर्ड हो के तो आ, नहीं आ, मतलब ये पांचवें का लॉर्ड होके आपके आठवें घर में मौजूद है विजडम उसमें भी बेटरमेंट आएगी पांचवा घर है और आठवां घर डीप थॉट्स होंगी आप उसमें से कुछ नया डेवलप करेंगे पहले जो आपने सीख सका है जो डीप थॉट्स में से आपके से गुजर के उसको प्योरीफाई करके तो ये आपको डिलीवर करेगा शार्दी मामलात में आपके जो है वो अगर शाखा में कोई काम कर करें उसमें बेहतर होगा अगर कोई वरासती मामला है उसमें आपकी बेहतरी आएगी आपकी मेंटल रिलैक्स करेंगे आपके बच्चे आपके इन मामला को और मेंटल रिलेक्स मिलेगी लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी अनयूजल अफेयर में हैं तो इस हवाले से आपकी जो मेंटल अप्रोच है वो थोड़ी सी एग्रेसिव भी होगी और ये चीज़ें जो हैं वो ओपन भी हो सकती हैं इसलिए आपको थोड़ी सी एहतियात करने की होगी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कई बार ऐसा होता है कि भाई वो जिसको कहते हैं ना एक मिसाल बनी हुई है पंजाबी की कि वो किसी ने कुबड़े को टांग मारी तो उसका कुब निकल गया तो कई बार ये इस तरह की जो स्ट्राइक्स आती हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक्स आती हैं वो हमें बेची की तरफ भी लेके जाती हैं अनएक्सपेक्टेड तौर पे आपके कोई डूबी हुई रकम वो भी मिल सकती है इसका आपके लिए बड़ा अच्छा होगा फिर आपका पूरा फोकस होगा अपनी एजुकेशन के ऊपर स्केल बारह से चौदह की अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं इस हवाले से कोई नया फैसला कोई डीप थाट्स मशावरत ये चीज़ें चलेंगी और इन मामला अगले दिनों में आपकी जो है वो बेटे की तरफ माइल हो जाएंगे अब यहाँ पर एक और चीज़ है आपके दसवें का लॉर्ड आपके जाए चुके हैं सातवें घर में मौजूद है और सातवें मरकर भी है शाका की ऑफर होने के सॉरी आठवें घर में मौजूद है शाका की ऑफर होने के जहाँ पर इम्कान मौजूद हैं सन की वजह से वहीं पर प्रॉफ़िट का असूल भी मुमकिन होगा लेकिन आपको बहुत सोच समझ के और मशावरत के साथ ये स्टेप लेना होगा इस पर भी आप ट्रस्ट करते हैं कोई भी आपके बहन भाइयों में से हो आपके कोई दोस्तों में से हो आप तो का कोई सीनियर हो कोई कुलीग हो मशावरत के साथ करें कई बार ऐसा होता है हमारे पास कई इसी तरह के मामला आते हैं कि लोग मशावरत नहीं करते और वो फैसला कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर अमल भी कर लेते हैं बाद में हमारे पास आते हैं कि जी हमने फ़ला वक़्त में हमने इन्वेस्ट किया था और पारे पैसे डूब गए वो इसी तरह की सिचुएशंस जो है वो होती हैं जिसकी वजह से उनके पैसे जो है वो डूबते हैं बहरहाल मैं यहाँ पर स्ट्रॉगली कहूँगा कि दो चीज़ें अहम हैं मशावरत और आ, प्लैनेट्स पे थोड़ा सा उनकी मूवमेंट पे नज़र रखें उनके बिहेवियर को थोड़ा समझें जैसे कि हम अपनी वीडियो में आपको बता रहे होते हैं। शरफ कमर की वीडियो बहुत जल्दी इन आपको मिलेगी और आप उससे मुस्तफ होना चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा ये एक बहुत ही यूनिक टाइम होता है महीने में एक बार आता है और इनशाला इस पर भी मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतरीन अमाल जो है इस हवाले से बता सकूँ आपको टाइमिंग बता सकूँ कि कब आप यह अमाल करके तो आप अपने लिए जो है वो पर से आसानियाँ समेट सकते बहुत सारे लोग इस वीडियो के इंतज़ार में होते हैं

आ, कुछ इवेंट हैं और कुछ स्यारों गान की आपस में बहुत ही अहम नजरात हैं एक अलार्मिंग सिचुएशन है और दो आपके लिए सिचुएशन जो है वो बड़ी कंफर्ट की हैं तो सबसे सब पहले स्टार्ट करूँगा आपके अपने रूलिंग प्लेनेट से जो कि जाच्चे के तीसरे घर में मौजूद है ये आपकी सोशल एक्टिविटीज़ का घर है ये आपकी एफर्ट्स का घर है कोशिशों का नजदीकी सफर का तहरीर तकरीर का लोगों से मेल जोल का ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है सो so, आपका फोकस इस तरफ बहुत ही ज्यादा होगा लेकिन दूसरी तरफ सेक्टर असेंडेंट में मौजूद आपको थोड़ा सा लेजी कर सकता है कुछ फियर जो है वो आपको तंग कर सकते हैं स्पेशली आपकी हेल्थ से मुतल चूंकि आठवें घर में कितु भी और बारहवें का लॉर्ड भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेट है तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि सबसे पहले अपनी सती का इलाज कीजिए दूसरा आ, साथ साथ कुछ सदक़ कुछ स्परिचुअल एक्टिविटीज़ अपने मामूल में लाजमी रखें खुद को लेजी मत होने दें ये आपके अपने इख्तियार में भी होता है प्लानट्स इम्पैक्ट डालते हैं लेकिन इंसान अगर अपनी विल को यूज़ करे तो इसमें से निकल सकता है तो मैं आपको स्ट्रोंगली इस तरफ जो है वो माइल करूँगा सात अगस्त को शफ कमर होगा जो कि जायचे जे के तीसरे गर्मी होगा जहाँ पे आपका अपना साइन लॉर्ड जुपिटर भी मौजूद है ये आपके लिए काफ़ी बेहतर एक है नज़दीकी सफरों का आपको मौका मिलेगा इसके अलावा बच्चों के साथ कुछ गुफ्तु होगी बच्चों के साथ कुछ कहीं आने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है तहरीर व तकरीर के मामला बड़े अच्छे होंगे बड़ा ईजी आप कम्फर्ट फील करेंगे बच्चों के साथ बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील होगी जो आपके बड़े बच्चे हैं ठीक इसी तरह आपकी लव लाइफ में बेटरमेंट आएगी एजुकेशन आपकी बेसिक हो या आपकी स्केल 12 से 14 की एजुकेशन हो दोनों में आपको इनशाला बेटरमेंट मिलेगी जो चीज़ें आपके विजडम में हैं आपकी थॉट्स में हैं उनको डिलीवर बेहतर अंदाज़ में जो है वो आप कर सकेंगे ये एक बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए जो है वो स्टार्ट होगा फैमिली में कुछ दबे दबे अल्फाज में आपकी इंगेजमेंट के हवाले से भी कुछ गुफ्त शनीद जो है उसका आगाज़ हो सकता है वो कि इस वक्त ये बात वो जिसको हम कहते हैं आप प्रॉपर किसी किनारे पर नहीं लगेगी लेकिन स्टार्ट मैं बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे देता होता हूँ कि भाई एक गाड़ी जो है वो अगर रोड पे 120 की स्पीड लिमिट है तो एक ही दिन में तो उस स्पीड पे नहीं आ जाएगी एक ही लम्बे में तो नहीं आ जाएगी तो इसी तरह बातें चलते चलते कहीं पहुंचती हैं आगाज़ अच्छे टाइम पे हो तो अंजाम भी इन शखैर होगा तो ये मामला था आपके बड़े अच्छे होंगे इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करना अच्छा होगा इनामी बाउंड लेना अच्छा होगा और आपका कोई बड़ा इनाम निकलने के चांसेस भी जो है वो यहाँ पे मौजूद होंगे अब चूँकि जो इसकी डेट्स हैं वो गुजर चुकी हुई हैं बारह तक का ही है मैं आपको सात को कह रहा हूँ जी इनामी बॉन्ड ले लीजिए पंद्रह का है आगे यकम है तो इन कोई अच्छा जो है वो आपका सबब जो है वो लग सकता है परवरदिगार आपके लिए आसानियां पैदा करें दूसरी चीज जैसे मैंने कहा था कुछ एस्पेक्ट आपके लिए अलार्मिंग हो गए सन जो के छठे घर का लॉर्ड होते है छठे घर में मौजूद है जुपिटर के साथ ये तरबी बनाएगा जुपिटर जो के आपका अपना साइन लॉर्ड भी है सो जॉब के हवाले से यहां पे आपको एहतियात करना है गवर्नमेंट के साथ अगर कोई आपकी डीलिंग्स है या आपके वालिद के साथ डीलिंग्स हैं अपनी एनमीज़ ओपन एनमीज़ के साथ गुफ्तू करते हुए आपको कदर मुहतात रहना है कोई ऐसी बात कोई ऐसी बड़ी बात जो कि आपके कद से बड़ी हो ऐसा करने से कतई तौर पर आपको गुरेज करना है सफ़र में तहरीर और तकरीर के मामलों में जल्दबाजी से भी गुरेज करना बेहतर होगा ठीक इसी तरह आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी ख्याल कीजिएगा अगर आप जॉब पर्सन हैं तो अपनी राइटिंग और अपनी स्पीच पर आपको खास कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी ठीक इसी तरह कुछ क्लैश आपके जो है ना वो अपने इंप्लाइज के साथ भी जो है वो सामने आ सकते हैं कुछ छठे घर का मामला जो है वो साथ चल रहा है दस अगस्त को जुपिटर के साथ मरकरी की टोगी जी ट्राइन जिसको हम तश्लीस भी कहते हैं मरकरी जो कि आपके जाहिर चके सातवें घर में मौजूद है चौथे और सातवें घर का लॉर्ड है बहुत अच्छा आपका स्पाउस जो है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो उनकी उनसे आपको बहुत अच्छी मुशावरत बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल सकती है जो कि आपकी पर्सनलिटी के हवाले से हो सकती है आपके मेल मिलाप खानगी मामला घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली खरीदो फ्रोद के हवाले से और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉग बाइंडिंग की तरफ लेके जाने में आपका स्पाउज एक बहुत ही आ, अच्छा किरदार जो है वो अदा कर सकता है ठीक इसी तरह आ, फैमिली में से कोई जो है वो आपको शाकत के ऑफ़र भी कर सकता है ये भी आपके लिए एक अच्छा मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा टाइम जो है वो आपके लिए होगा आपके स्पाउस के जो हैं उनके कैरियर रोज़गार के मवाक़े बढ़ेंगे नए एग्रीमेंट उनके भी हो सकते हैं मतलब आपके वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड को ये सब कुछ जो मिल सकता है कारोबारी खुशहाली भी इज़्ज़त वकार माशरे में इज़्ज़त भी आपको मिलेगी और आप अपनी बेहतरीन गुफ्तू से अपने बेहतरीन अखलाक से अपनी बेहतरीन, बेहतरीन मिलनसारी और पॉलिसी से ये सब कुछ जो है वो इन शह हासिल कर सकेंगे तो ये आपके लिए एक मेजर जो तब्दीलियाँ थीं इस हफ्ते की वो मैंने आपके सामने रखी उम्मीद करता हूँ इन मालूम की रोशनी में आप जो है वो अपने लिए बहुत अच्छा प्लान कर लेंगे शरफ कमर पे हर बार हम एक आ, देते हैं शरफ कमर दुआओं की कबूलीत का ख़ास वमल और ख़ास औकात जो है वो बताए जाते हैं आपको सो ये वीडियो आपको इनशाला इस बार भी मिलेगी चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लें ताकि बार वक्त आपको ये वीडियो मिल सके आपके लिए बेहतरीन जो स्टोन है वो जमरद है इसके अलावा आप जरद पुखराज पहन सकते हैं पेरीडोर पहन सकते हैं ग्रीन जेड पहन सकते हैं ग्रीन अगेट यानी कि सबज अकीक भी पहन सकते हैं ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है ये एक जनरल है आपकी पर्सनलिटी ट्रेड्स के वाले से अगर आपकी किसी और कोई ज़रूरत है आपकी आपके सेहत के कोई मामला हैं कैरी रोज़गार है जॉब का इशू है या कोई प्रॉपर्टी का घर का सवारी का तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर रबा करके तो अपने लिए स्टोन जो है वो सजेस्ट करवा सकते हैं ठीक इसी तरह कोई बड़े फ़ैसले करना चाहें ज़िंदगी के तो भी आप व्हाट्सअप नंबर पर रबता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं वंस अगेन कहूँगा अपनी सती का खुदा इसकी रेमेडी जरूर कीजिए इससे पहले कि आप एक ऐसे गरदाब में आ जाएँ जहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाए आपके लिए इजाज़ा होगा हमेशा की तरह आपके लिए जो ढेरों दुआएँ और इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर किया करें यह आपका अपना चैनल है